हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं आता और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार के परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्प्टोमेटिक से होती है और केयरलेसनेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा, वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है। कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट जोन तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए।